अजमेर के आदर्श नगर थाने में 40,000 की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी हेमराज मुंडे ने बताया कि भवानीखेड़ा निवासी मदन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया कि वह SBI के ATM में नकदी निकालने गए थे, लेकिन वह नहीं निकली। इस दौरान अज्ञात बदमाश द्वारा उनका ATM बदलकर अन्य ATM से 40,000 रुपए निकाल लिए गए। इस संबंध में पुलिस तफ्तीश में जुटी है और आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। मदन सिंह राउत निवासी भवानीखेड़ा ने दर्ज कराया था कि वो ATM में गया था, SBI के ATM में गया था, यूनियन बैंक का उसके पास ATM था, जिसमें वो बार बार कोशिश करने के बाद में पैसे नहीं निकले। एक्चुअली में ATM में पैसे नहीं थे, वो ध्यान नहीं दे पाया। इसी दिन उनको दूसरा आदमी आया, उसका वो ATM, उसने कहा मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। उसने ध्यान नहीं दिया, वो आदमी उसको बार बार पिन लगा रहा था, देख रहा था, तो वो ATM बदल के ले गया और बाद में उसके ATM से 40,000 रुपये निकाल लिए गए। कौन सा ATM, ये कहाँ से निकाले, इसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB न्यूज़, सच्चाई की वापसी।